अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बेसिक ऑफ ऑटो कैड, मतलब कि ऑटो कैड में स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका ऑटो कैड का जीयूआई क्या है, काम कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ऑटो कैड में तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऑटो कैड में, इस तरह से सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आपको डबल क्लिक करना है, जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर तो इस तरह से आइकन आपके सॉफ्टवेयर में मिलेगा। जब ये आइकन आपके सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको उसको डबल क्लिक करना है, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन होगा। जब इस तरह से ओपन होगा सॉफ्टवेयर तो ये आपकी रिसेंट फाइल है और यहाँ पर ये गेट स्टार्टेड करके ऑप्शन मिलता है इनको। यहाँ पर मैंने इसको गेट स्टार्टेड या स्टार्ट ड्रॉइंग को क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे स्टार्ट ड्राइंग को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ पर अलग अलग फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए आपके पास में अलग अलग फंक्शन हैं और ऊपर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर का आइकन है, ये सॉफ्टवेयर का आइकन है और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये मेन मेनू बार, हम इसको बोलते हैं मेन मेनू बार। उसके बाद में हमारे पास में ये सारे ये जो है मॉडलिंग, एक लिखा हुआ है मॉडलिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है मैश और उसके बाजू में लिखा हुआ है यहाँ पर सॉलिड एडिटिंग, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ, ये लिखा हुआ मॉडिफाई, ये लिखा हुआ सेक्शन। तो ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ इनको बोलते हैं हम टूल बार, ये सब बोलते हैं टूल बार, इसको हम बोलते हैं टूल बार। क्या बोलते हैं हम टूल बार, इनको हम बोलते हैं टूल बार। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए जो ब्लैक कलर से ये जो पूरी विंडो है ये अंदर आप देखेंगे तो ये सारे होते हैं टूल्स, इनको हम बोलते हैं टूल, ये हमारे सारे हैं टूल और ये है हमारे पास में टूल बार। और ये जो है ये जो आपको ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम वर्किंग विंडो, और ये आप देख रहे होंगे नीचे ये लाइन दी हुई है तो ये ग्राफ पेपर में भी लाइन दी होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड्स, ये है हमारी ग्रिड्स। और ग्रिड के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक आइकन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आइकन ये जो मैं हाँ हिला रहा हूँ इसको तो एक आइकन आ रहा है, एक आइकन में लाइन है, चार लाइन है, चार लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है, देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, ये हमारा है क्रॉस हेयर, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रॉस हेयर। और उसके बाद में ये जो नी बीच में ये रेक्टेंगल बना हुआ आपको दिख रहा होगा उस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं पिक बॉक्स, पिक पिक बॉक्स, पिक बॉक्स, वो जो रेक्टेंगल बनता है बीच में उसको हम बोलते हैं पिक बॉक्स। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आती है ये नीचे ये होती है ये टाइप का कमांड लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर की जो पट्टी है व्हाइट कलर की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं कमांड बार, कमांड बार। और यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ में यहां पर आप देखिए ये जो है ये है टॉगल की, इसको बोलते हैं टॉगल की, टॉगल की, इसको हम बोलते हैं टॉगल की, टॉगल की। और अब ये जो टॉगल की हमारी है इसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास में कुछ टूल यहाँ पर ब्लू कलर से ऑन है, ब्लू कलर कुछ में ब्लू कलर है ना, और कुछ में ब्लू कलर नहीं है, तो जो ब्लू कलर से है इसका मतलब है कि वो टूल ऑन है और जो व्हाइट कलर में है वो टूल ऑफ है। यहाँ पर आपके पास में पहला टूल ऑन है तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रिड है ये दिख रही है, हटा दिया तो ग्रिड हट जाती है, देखिए हटा दिया मैंने सारी ग्रिड हट गई, ये पूरा ब्लैक हो गया।
क्योंकि टूल भी ऑफ हो गया, हमने टूल को ऑन करना है, टूल ऑन करेंगे तो टूल ऑन हो जाएगा, इसको यहां से हम ऑन कर देंगे, ये टूल हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं स्नैप मोड। स्नैप मोड मैं आपको आगे चल के इसको बताऊंगा, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको ऑफ करके ही रखिएगा, हमेशा ऑन कभी मत कीजिएगा। जितने टूल ऑन है उनको ऑन ही रहने दीजिएगा, जो ऑफ है उनको ऑफ ही रहने दीजिएगा। पर एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है, ये इसको गियर का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें गियर के ऑप्शन में यहाँ पर आप साइड में जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ आएगा, ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आएगा, 3D बेसिक आएगा, 3D मॉडलिंग आएगा। अभी 3D मॉडलिंग पर राइट टिक है, मतलब अभी आप 3D में है, ऑटोकैड में 2D भी होता है, ऑटोकैड में 3D भी होता है, तो अभी आप ऑटोकैड के 3D वाले प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको ऑटोकैड के 2D वाले प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो कैसे जाएंगे, कैसे पता चला आपको कि आप ऑटोकैड के 3D में हैं? देखिए आपसे यहाँ पर 3D के टूल दिख रहे हैं, नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जाए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3D मॉडलिंग पर राइट टिक है, इसका मतलब है कि ऑटोकैड का 3D का टूल ऑन है। अब आपको ऑटोकैड का 2D का टूल ऑन करना है, तो आप यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर जाकर एक क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन पर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास में ऑटोकैड का 2D का प्लेटफॉर्म खुलना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, अब ये आपका जो है, ये देखिए सारे के सारे 2D के ऑप्शन आपके पास से मिल गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर ऑटोकैड 2D यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये हमारा 2D टूल ओपन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अब मुझे सॉफ्टवेयर ओपन करना है, सॉफ्टवेयर में काम करना है, सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंदर जो दिखाई दे रहा है ड्रॉ टूलबार का नाम है, और ड्रॉ टूलबार के अंदर ये सारे टूल हैं, मॉडिफाइड टूलबार का नाम है, उसके अंदर ये सारे टूल्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एक लाइन है यहाँ पर वर्टिकल लाइन है वो टूलबार को डिवाइड कर रही है, यहाँ पर एनोटेशन एक टूलबार का नाम है उसके अंदर ये सारे टूल हैं, लाइन एक लेयर एक टूलबार का नाम है उसके अंदर, फिर इसको ओपन करेंगे तो फिर अंदर यहाँ पर टूल मिलेंगे, ये सारे टूल इसमें मिलेंगे लेयर्स में। तो इस तरह से टूलबार यूज होता है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑटोकैड का यूज कर रहे हैं तो आपका जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में एक कॉर्नर पे एक बटन होती है ESC नाम से। मैं आपको एक कीबोर्ड खोल के दिखाता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कीबोर्ड का भी थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, तो मुझे सबसे पहले आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि कीबोर्ड किस तरह से दिखता है, अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे और कौन कौन सी बटन का आप यूज करके उसमें यूज कर सकते हैं। जिनके पास में अगर लैपटॉप है या फिर कीबोर्ड वो टूल है तो आप यहाँ पर मेरे पास में कीबोर्ड की इमेज, सर कीबोर्ड लेआउट डाल, कीबोर्ड लेआउट, यस कीबोर्ड लेआउट में डाल देता हूँ,
अब आप यहाँ पर कोई भी कीबोर्ड देखेंगे, कोई भी कीबोर्ड लेआउट तमिल, तमिल नहीं हिंदी, इस तरह से कीबोर्ड का लेआउट आप देखेंगे, तो इसमें जो कीबोर्ड में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए ये जो कॉर्नर में सबसे पहले ऊपर बटन होती है, इसमें लिखा होता है ESC, ये ESC, ये जो कॉर्नर की बटन है, तो ये जो ESC बटन है, इसको आप दबाएंगे तो टूल से आप बाहर आ जाएंगे, कोई भी टूल से आप बाहर आ जाएंगे। मुझे मान लीजिए लाइन टूल है, इसका यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन टूल पर एक बार क्लिक कर दूंगा, एक बार इस तरह से क्लिक किया, जैसे ही मैंने लाइन टूल पर क्लिक किया तो लाइन टूल ऑन हो जाता है, और स्कैप बटन दबाऊंगा तो स्कैप बटन को दबा दूंगा, ESC बटन को दबाऊंगा तो टूल ऑफ हो जाएगा। टूल को ऑन करना है, लाइन टूल ऑन कर दिया, और टूल को ऑफ करना है, ESC बटन को दबा दिया तो टूल ऑफ हो जाएगा हमारे पास में। और सेम आप यहां पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में लाइन का ये कमांड जो है, टाइप है कमांड, इस कमांड की हेल्प से भी आप लाइन टूल को या फिर किसी भी टूल को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको शॉर्ट की का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट की यूज करेंगे तो शॉर्ट की से आप टूल का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए लाइन टूल है, लाइन टूल का शॉर्ट की क्या होगा, लाइन टूल का शॉर्ट की होगा L। किसी भी टूल का शॉर्ट की उसका फर्स्ट लेटर मैक्सिमम होता है, इसको आप ध्यान रखिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर L दिया, देखिए मैं L दे रहा हूँ यहाँ पर, स्मॉल में कैपिटल में जैसे भी आप देंगे, L दिया मैंने, L देके मैंने एंटर किया, देखिए जैसे ही मैं L टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं L टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, ऊपर एक लाइन आ गई, मैंने L दबा के और एंटर किया, L दबाया एंटर किया, तो जैसे ही मैंने L टाइप किया एंटर किया तो हमारा टूल यहाँ पर ऑन हो गया, स्कैप बटन दबाया टूल ऑफ हो गया, यहाँ पर क्लिक किया तो भी टूल ऑन हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली L एंटर करके टूल ऑन कर सकते हैं लाइन टूल, या फिर आप यहाँ से भी टूल का ऑन कर यूज कर सकते हैं ऑन करने के लिए। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको बीच में लेकर आ रहा हूं, ये जो है ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप ये देखोगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बटे हुए हैं। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा वैल्यू क्या आती है, प्लस प्लस में, यहाँ पर वैल्यू आती है माइनस प्लस में, यहाँ पर वैल्यू दोनों माइनस में होती है, यहाँ पर दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू प्लस में होती है, एक वैल्यू माइनस में होती है, एक्स वैल्यू प्लस में होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स यहाँ पर प्लस में जा रहा है, एक्स यहाँ पर माइनस में जाता है, वाई यहाँ पर प्लस में जाता है, वाई यहाँ पर माइनस में जाता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको ऑटोकैड समझने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा नॉलेज हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ऑटोकैड को सीखने के लिए। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास में एक कंपास दिया होता है जिसमें कि सारे के सारे पोल दिए होते हैं, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, वेस्ट, ईस्ट, साउथ डायरेक्शन के लिए। आप चाहें तो इसको यहाँ से जो लिया हुआ है यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन में यूज होता है। मैकेनिकल से हैं आप या सिविल से हैं, आप अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको उसमें इन चीजों की जरूरत जरूर पड़ती है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अभी हाईलाइट नहीं रहता है, और जैसे ही आप कर्सर लेकर जाते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो ये हमारे पास में आइकन होता है, जैसे आप इसमें देखिए ये अगर ऑप्शन है जिसमें हाथ बना हुआ है, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या बता रहा है, ये पेन है। पेन क्या करेगा, मैंने इस टूल को ऑन किया, लेफ्ट बटन को दबा के रखा तो ये देखिए शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इस एक ड्रॉइंग को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम पेन बटन का यूज करते हैं। ये पेन, इसके आप दबाओगे पेन हट जाएगा।
फिर यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है जूम एक्सटेंड। तो आप चाहो तो जूम कर सकते हो उससे, कितना जूम करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अभी कोई ड्राइंग बनी नहीं है तो हमको जूम करने से मतलब नहीं। फिर ये होता है ऑर्बिट, मतलब रोटेट करने के लिए। अगर आप 3D में हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट करके ऑर्बिट बटन से रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे ऑटोकैड में प्लानिंग करते हैं। ये आपके सारे टूल्स हो जाते हैं, ये आपका कमांड बार हो जाता है, यहाँ पर टॉगल की हो जाती है। टॉगल की में मैंने आपको थोड़ी सी सेटिंग बताई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखी हुई तीन जो लाइन दी होती है, कस्टमाइजेशन होता है। कभी किसी टूल का ऑन करना है तो आप यहाँ से टूल को ऑन कर सकते हैं। ये आप देखिए डायनेमिक इनपुट हमेशा अभी ऑफ है। आप कोशिश करना है डायनेमिक इनपुट टूल को ऑन करने के लिए। कहाँ से आता है ये, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये अभी डायनेमिक इनपुट अभी टूल ऑफ है। डायनेमिक इनपुट टूल ऑन करने का फायदा क्या होता है, मैंने ये डायनेमिक इनपुट टूल ऑन कर लिया। हमें यहाँ पर डायनेमिक इनपुट टूल हमने हमेशा ऑन करके रखेंगे। फिर उसके बाद में और भी होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप टूल होता है, इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं या फिर आप रहने दीजिए ऑन करने के लिए।